So hello friends, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss about the most important topic of medical surgical nursing. जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे. अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज जा रही है वो मेरी जाएगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोग का टाइम भी सेव होगा और आप लोग को एक जगह पर सारा कंटेंट मिल जाएगा. सो आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो मेरा पहला चैप्टर है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि नर्सिंग 2024 में पूछे जा सकते हैं वो लिखे हुए हैं. मेरा कहने का मतलब यही नहीं है कि आप लोग को सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं. आप लोग को पढ़ना सब है, बट इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है. इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है. अभी तक के जितने बार नॉर्सेट का एग्जाम हुआ है तो इन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चन आए. जो पहला टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आया है तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सेकेंड वन इज निमोनिया. थर्ड वन इज प्लूरल इफ्यूजन एम्पाइमा. इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक्सरे दिया गया था, प्लूरल इफ्यूजन उसका आंसर था. ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत से आते हैं इससे. उसके ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, जैसे कि हमारा फार्मर्स लंग डिजीज हो गया. ठीक है, हे डस्ट से कौन कौन सी होती हैं, ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी आपको पढ़नी है. सीओपीडी भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग्स हैं उनका रिज्यूमे बहुत अच्छे से आना चाहिए, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है. और कौन सा टेस्ट इसमें किया जाता है पूरा टॉपिक पढ़ना है. उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पायरोमेट्री का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था इस बार हमारा. और लंग बायोप्सी का प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें मोस्ट कॉमनली यही पूछा जाता है कि बायोप्सी से पहले और बायोप्सी के बाद हम कौन सी पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद थोरेसेंटेसिस प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन इससे हर बार आता है. ठीक है, कौन सी ट्यूब लगाते हैं, नेगेटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव होता है, ये आप लोग को अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद एबनॉर्मल लंग साउंड, जैसे कि हमारी वीजिंग होती है जो कि अस्थमा में देखी जाती है, स्ट्राइडर हो गया, क्रैकल्स हो गया, इन सब साउंड को भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद लंग कैपेसिटीज, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल लंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है. कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग से भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि हमने पढ़ा है कि 9 कार्टिलेजेस होते हैं, तो इन टॉपिक्स में आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोग को नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उन पर ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को. सो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.